तीसरे अभिभावक हैं श्रीमती पूनम रानी जी जो काबरेल से हैं, कहते हैं कि करो योग रहो निरोग। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने योग के माध्यम से हजारों लोगों को स्वस्थ करने का काम किया। इनसे वह लाभ पाया, इसके लिए पूनम रानी जी बधाई व सम्मान की पात्र। फोटो ले लो वीडियो ये दो। अगले अभिभावक हैं श्री मनमोहन सिंह जी जो गांव कालीरावन से हैं, जो कि पैसे से एक दुकानदार हैं। अपनी नेक कमाई से आदमपुर की सरकारी स्कूल की छात्राओं को पेन पेंसिल और कॉपियां देकर उनकी सहायता करते हैं। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने में इनका योगदान अपने आप में एक मिसाल है। अब तक ये 15 बार से अधिक रक्तदान भी कर चुके हैं। अतः जान है तो जहान है कहावत को चरितार्थ करते हुए रक्तदान करना इनके महान कार्यों को दर्शाता है। पूनम रानी जी जिन्होंने योग के माध्यम से हजारों लोगों को स्वस्थ किया, इसके बाद श्री मनमोहन सिंह जी हैं, बढ़ावा देने में इनका योगदान अपने आप में एक मिसाल है। अब तक ये 15 बार से अधिक रक्तदान भी कर चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत सम्मान श्री मनमोहन सिंह जी का। अगले अभिभावक हैं विजय गांव काजला से। विजय जी, विजय कुमार है कुलेरी से, एक विजय है, दो अभिभावक हैं जी। चलो विजय कुमार जी, कुमार जी अगले अभिभावक हैं श्रीमान भाग सिंह जी जो कि बीएसएफ से रिटायर्ड पर्सन हैं, बुजुर्ग है, होते हुए भी इनका उत्साह चरम पर है। जोरदार तालियों के सबसे बुजुर्ग अभिभावक हैं, लगभग 80+ के हैं और उत्साह देखिए आप श्रीमान भाग सिंह जी। अगले श्री सतीश कुमार जिनकी धर्मपत्नी सोनू रानी सम्मान ग्रहण कर रही है। राजेश बादू जी मंडी आदमपुर से, हाँ जी, इन्होंने कोरोना महामारी के दौरान भंडारे का आयोजन करवाया, सुदामा सेवा समिति बनाकर गरीब व लड़कियों की शादी करवाई, 3 बार रक्तदान भी कर चुके हैं। तिरंगा यात्रा में भी इनका योगदान सराहनीय रहा, अतः इन्हें सम्मानित करते हुए हमें भी गौरव का अनुभव हो रहा है। श्रीमान राजेश बादू जी मंडी आदमपुर से धन्यवाद सर, थैंक यू। इन्होंने 2013 में मधुमक्खी पालन शुरू किया। मधुमक्खी पालन से अपने आप को और गाँव को आगे बढ़ाने में इनका योगदान रहा, स्वयं का और फिर गांव का भी फायदा हुआ। आधुनिक तकनीक द्वारा अपनी आमदनी को बढ़ाना, श्रीमान विजय जो एक